हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का डेली करेंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्त तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। और देखिए, आप लोगों के पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। तो ये दोस्तों आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 20। कितना हो जाएगा? 20 यहाँ पे आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कुछ बीसीसीआई से महत्वपूर्ण बातें। और यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर विन्नी बीसीसीआई के 36वें नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। और उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की जगह ली है। और ये आप लोग का रोजर विन्नी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ और इससे हम लोग फैक्ट बातें देखें तो इसकी स्थापना यहाँ आप लोगों की होती है 1928 में। और इसके सचिव जो हैं अमित शाह के बेटे जैसा है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बीसीसीआई का? तो मुंबई में है, ठीक है दोस्त। तो ये रहे दोस्तों आप लोगों का आज का ये पहला प्रश्न। और आप लोगों के स्क्रीन पर ये आप लोगों का दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आप लोग का महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को क्या कहते आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगला है कि किसने मोल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का पद भार ग्रहण किया है? तो ये दोस्तों आप लोग हैं अजीत सक्सेना। अजीत सक्सेना यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये दोस्तों आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स है कि उत्तर प्रदेश की पहली हम लोग का महिला पुलिस कमिश्नर ये बनी है आप लोगों का लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह यहाँ आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्त आप लोगों के स्क्रीन पर कि आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। देखिए आप लोगों से पूछा जाए यदि एग्जाम में कि किस राज्य ने निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कर्नाटक के मंड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो ये आप लोगों का है अमित शाह, ठीक है। अमित शाह यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये आप लोगों का सुंदरमन राममूर्ति, ठीक है। सुंदरमन राममूर्ति आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन यहाँ पे जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आप लोग का हुआ है दोस्तों गोवा में। गोवा आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे दोस्त। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये आप लोग का साइप्रस आप लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि RTI के जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये आप लोग का ये है आप लोग का तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है दोस्त कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये है दोस्तों आप लोग का बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में। आप लोग का स्कॉटलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है दोस्त कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।